साई वे मेरे यार वे मेरी सिमत मोड़ मुहार वे मेरे साई वे मेरे यार वे मेरी सिमत मोड़ मुहार वे मुझे अपने नैनों के पास रख मुझे अपने दिल में उतार वे मुझे Be brave, Baba Jani. Be brave. Because my choice is death. Shamir kyun bhaga hai? Kiski khatir farar hua hai? Hame zillat mein daal kar us shehri ladki ki khatir. Main Shamir baat kar raha hoon. Nabila se baat ho sakti hai? Nabila mar gayi hai. मर चुकी है नबीला। I can't believe. शामिर यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा लग रहा है जैसे कि मैं वाकई मर चुकी हूँ अनकॉन्शियस में थी जब होश में आई तो पता नहीं कहाँ पहुँच गई थी सच पूछो तो सरदार जहांगीर से मुझे ये तवक्को नहीं थी मगर उन्होंने ये करके दिखाया क्योंकि उनके पास कोई और चारा भी तो नहीं था शामिर गैर मामूली इंतहाई गैर मामूली मेरे पास तारीफ के अल्फाज नहीं है मैं सलाम करता हूँ तुम्हारे बाबा को उनको मेरा सलाम जरूर पेश करना शामिर अब मैं जा रही हूँ बाबा ने मुझे सख्ती से मना किया था कि बाहर ना निकलो घर से मैं सिर्फ तुम्हें देखने आ गई अरे उन्होंने मना किया था तो तुम मुझे मिलने क्यों आई मुझे यहाँ क्यों बुलाया अरे फोन पे बात कर लेती शामिर इतने दिनों से तुम्हें देखा नहीं तुम्हारी आवाज सुनी मैंने सिर्फ तुम्हें देखने को दिल चाहा तो उसके आगे बस रिस्पेक्ट योर फादर उनका एहतराम करो और वापस चले जाओ ये दरवाजा तो काफी दिनों से बंद है इसका मतलब है कि शामिर यहाँ नहीं आया इतना बेवकूफ नहीं है वो कहीं छुप गया होगा तो मोबाइल फोन भी बंद पड़ा है समझ में नहीं आता क्या करें आओ मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है अब जिस तरह से आपने नबीला का किस्सा निपटाया है जिस दानिशमंदी से मैं बहुत खुश हूँ शुक्रिया शहबार बेगम आपको हमारी कोई अदा तो अच्छी लगी शामिर के बारे में तो मैंने आपको तफसील बता दी थी ना वो किसी भी तरह आपकी बेटी के लायक नहीं मैंने हमेशा अपने वादे निभाए हैं शहबार बेगम इनकार कर सकती हो नहीं वादा खिलाफी की आदत आपको है शहबार बेगम मुझे नहीं बहरहाल फरमाइए इरशाद फरमाइए मेरी उम्र भर का एहसास आप मेरी बेटी है आपकी बेटी मैं मानता हूँ मानता हूँ और मैं नबीला की भलाई चाहती हूँ यकीनन आपकी ख्वाहिश भी इससे कोई मुख्तलिफ नहीं होगी ऑफ कोर्स हरगिज नहीं नहीं तो फिर एक एहसान मुझ पे और कर दीजिए प्लीज मैं समझा नहीं शहबार बेगम आप क्या कहना चाहती हैं
शामीर से नबीला का पीछा छुड़वा दीजिए किसी भी तरह, प्लीज किसी भी तरह। क्या? बेवकूफ है, नादान है, बुरी तरह उसकी मोहब्बत के जाल में फंस गई है। आप किसी भी तरह उसे खत्म करवा दें, मरवा दें, जो आपका दिल चाहे करें, लेकिन किसी तरह शामीर को उसकी जिंदगी से निकाल दें। सोचने दो मुझे, सोचने दो। हम लोग शामिल का पता करने के लिए आए। शामिल तो काफी दिनों से नहीं आए। हम लोग तो खुद परेशान हैं कि शामिल से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। वैसे तो वो बहुत ही अच्छे ऑफिसर है। वो तो गांव भी नहीं पहुंचा। गांव हो सकता, लेकिन वो तो गांव का क्या कर रहे थे, और ये के दो दिन में वापस आ जाएंगे, पहुंचे नहीं अभी तक। उसकी कोई खैर खबर नहीं है। आप मदद करें हमारी। फ्लैट भी उसका बंद पड़ा है, वहां भी देखा है। अल्लाह से महफूज रखे, कहीं किडनैप ना हो गया हूं। क्या जी? अव्वा की वारदातें आजकल बढ़ती जा रही है। अव्वा? जी अव्वा बराए तावान। और अगर खुदा ना खास्ता किसी ने उसे उठा लिया तो देखिए, आप इंतजार कीजिए, कॉल आ जाएगी आपके पास। समझ नहीं, पुलिस में रिपोर्ट करा। बेहतर यही रहेगा। मेहरबानी मामू साई, मैं तो यहाँ भी नहीं है, क्या करना है? शहर वाली लड़की मुझे मिल जाए, गर्दन काट दूंगा उसकी। अपना लड़का तो संभाल नहीं जा रहा आपसे, और गर्दन काटने चले हैं किसी और की। वाह मामा साई वाह, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते आप। इतना कौड़ा ना बोल कासम, तू भांजा है मेरा और होने वाला दामाद भी। दामाद? इतनी आसानी से नहीं। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था नबीला। हमारी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जबान देकर मुकर जाएं। खून खराबा शुरू हो जाता है और ये दुश्मनी नस्ल दर नस्ल चलती है। मैं जानती हूँ बाबा जानी, हम गला कटवा देते हैं मगर पगड़ी नहीं गिरने देते। I know. जिस तरह मैंने अपनी इज्जत बचाई है, मैं ही जानता हूं। पता नहीं क्यों तुम पर और शहवार पर मुझे तरस आ गया था। मैं सरदार जहांगीर नहीं रह गया, एक बाप रह गया था। तुम्हारा बाप। I'm grateful, बाबूजी। लेकिन अफसोस कि अब तुम हमेशा के लिए मेरे लिए मर गई हो। आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश न करना। किसी मत बोले प्लीज। बस बस खामोशी से जिंदगी गुजारना, नाम बदल देना अपना, किसी को पता न चले कि तुम सरदार जहांगीर की औलाद हो। वो औलाद जिसकी मौत का हमने ढोंग रचाया है। नहीं बाबा जानी, ऐसे मत बोले प्लीज। नहीं, मजबूरी है बेटा। तुम मर चुकी हो,
तुम्हें दफना दिया है लोगों की नजरों में, और ये सब इसलिए किया कि तुम्हारी खुशी मुकद्दम थी, तुम्हारी खुशी और पसंद अजीज थी, इसलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। क्या मैंने हमेशा के लिए अपने बाबा जाने को खो दिया? यही समझ लो और मुझसे मिलने की कोशिश ना करना, बस ज्यादा मजबूरी हो तो फोन कर लेना। इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाबा जानी, प्लीज एक दफा मुझे करे ना गाल, सिर्फ आखिरी बार। शायद मुझ पर नसीब की तकलीफ में कुछ कमी आ जाए। मैंने सारी तहकीकात कर ली है, शरीफ लोग हैं। अच्छा लड़का है। गुड लक, सदा सुखी हो। झूठे दुनिया के सब नाते, झूठी हर परचा है, सच्चा मुर्शद अपना इश्क है, सच्चा साए यार वे मोड़ मुहार वे यार नहीं मिला ना शामिर, लड़की को ढूंढो के पास छुप गया होगा वो। हो सकता, बिल्कुल हो सकता बाबा साईं। वो शहरी लड़की ढूंढो और उसे खत्म करो। फसाद की जड़ है वो लड़की, वो खत्म हो जाएगी सारा फसाद अपने आप खत्म हो जाए। नहीं बाबा साईं, अभी इस मसले को खत्म नहीं करना, उछालना है। क्यों उछालना? हम अपनी तोहीन की भारी कीमत वसूल करेंगे मामा गुल मोहम्मद से। बड़े जिम्मेदार बनेंगे, इलाके में नाम होगा हमारा, शान होगी, एहतराम करेंगे इलाके के लोग हमारे। ये सब होगा कैसे बाबा साईं? हम मामा गुल मोहम्मद से उसकी जमीन सारी अपने नाम लगवा लेते हैं। इस तरह उसको समझ भी आ जाएगी कि उसने क्या किया और हमारा सर भी ऊंचा हो जाए और हम बड़े जिम्मेदार बन गए। मामा गुल मोहम्मद। हाँ हाँ रेहाना आपा, हाँ पूरी बिसात ही पलट गई है। चक्के छूटे हुए दोनों बाप बेटी के, सारी सिचुएशन खुद ब खुद हमारे हक में आ गई है। हाँ। आप क्यों फिक्र करती हैं? आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी 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 हाँ, आपको क्या करना होगा? आपको सिर्फ ये करना होगा कि आप जल्द से जल्द बॉबी को यहां भेज दें। क्या मतलब है? कहां रहेगा? मेरे पास रहेगा और वापस जाते हुए नबीला को अपने साथ लेकर जाएगा। हाँ कोई परेशानी की बात नहीं है, आपकी और मेरी बरसों की तमन्ना पूरी हो रही है, बस आप खुश हो जाएं। हाँ आप बस खुश हो जाएं और दुआ करें सब ठीक ठाक हो जाए। हाँ।
चुप कर जाए अम्मा, रोने से कोई फायदा नहीं। कैसे चुप हो जाऊं, मरने को जी जा रहा है। मैं तुझसे बहुत शर्मिंदा हूँ जरीना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अम्मा, अदा शामिल मर्द है, मर्द जो चाहता है वो कर लेता है। मर्द नहीं, खुदगर्ज कहो, बेशरम कहो, मतलबी कहो। अम्मा, ये कैसी मर्दानगी कि अपनी बहन को बर्बाद कर दे। मैं तेरी किस्मत पर हमेशा रोती रहूं, मर जाऊंगी। मैं तुझे बूढ़ी होते कैसे देख सकूंगी, कैसे देख सकूंगी, अपने आंगन में नहीं देख सकती। अम्मा, आपका तो कोई कसूर नहीं है। और किसका कसूर है? मैं तेरी मुजरिम हूँ। जामीर को मैंने अपने पेट से जन्म दिया, काश वो पैदा न होता या पैदा होते ही मर जाता। सबर कर लेती कि मेरा कोई बेटा नहीं था। बस कर दे, मैं ना रोए था। अम्मा प्लीज, मत रोक मुझे, मत रोक। शामीर, अल्लाह तुझे भी खुशी नसीब न करे, जैसे तूने हमारी खुशियाँ छीनी है, जैसे मेरी बेटी का घर आबाद नहीं होने दिया, तेरा घर भी आबाद ना हो। एक माँ के बच्चा है, तूने मेरा दिल दुखाया है, तुझे औलाद का सुख नसीब ना हो। अच्छा, जब मैं मर जाऊँ उसे मेरा मुंह नहीं देखने देना, मेरा मुंह नहीं देखने देना, मेरे मुंह। रिश्तेदार मामा साईं। एक मिनट काकी, हाँ अब बोल, कहाँ की रिश्तेदारी? कौन सा भांजा? शादी से दो दिन पहले मेरी बहन का दूल्हा घर से भाग गया। हम फैसला बरादरी में लेकर जाएंगे और फैसला करेगा MNA। अगर हमारे साथ इंसाफ ना हुआ ना तो। अब कासम, रहम कर मेरे ऊपर, तू मेरी इज्जत नीलाम करता। वाह 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 दा गुल मोहम्मद, तुम्हारी इज्जत इज्जत और हमारी कोई इज्जत नहीं। देखो सुलेमान, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसे ही मुझे शामिल मिल गया ना, तो मैं फौरन उसकी शादी कर दूंगा नसीम के साथ। सारी दुनिया हम पर हंस रही है, नसरीन के बारे में न जाने लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, मैं दोहरा भी नहीं सकता। बदनाम हो रही है मेरी बहन। देख देख देखो कासिम, वो मेरी भांजी भी है, मेरी बहू भी है। सुलेमान, मेरे दिल को बड़ा दुख पहुंचा है, यकीन कर। बस बस, मैं आज मुमताज को तलाक दे रहा हूं। नहीं नहीं, उस बेचारी का क्या जुर्म है? उसका यह जुर्म कम है कि वो तेरी बहन और शामिर की फूफी है। इसका एक हल है मेरे पास, पर छोड़ो, दफा करो। नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो कासिम, बोलो। सुलह सफाई हो सकती है, लेकिन इसकी एक शर्त है, एक कीमत। मैं हर कीमत अदा करने को तैयार। नहीं कासिम, कोई सुलह सफाई नहीं होगी, बरादरी की अदालत में फैसला होगा। बस मान ले बाबा साईं, गहरी रिश्तेदारी है हमारी इनके साथ, कुछ तो ख्याल करना पड़ेगा ना इनका। हाँ हाँ, सुन तो लो कासिम क्या कह रहे हैं। हाँ कासिम। मामा साईं, आपकी तकरीबन 500 एकड़ जमीन है ना? हाँ, मगर 400 एकड़ आबाद है। तुम्हें तो पता है, क्यों पूछ रहे हो? आज ही मेरे नाम पर
अपने दामाद के नाम? नहीं हो कासिम, मैंने कह दिया ना कि कोई सौदेबाजी नहीं होगी। बाबा साईं समझे, मैं अपने मामू की इतनी बेइज्जती होते नहीं देख सकता, कुछ आपस में तय कर लेते हैं। बस मामा साईं बस, अगर तुझे मंजूर है तो ठीक है, किस्सा खत्म। अदा गुल मोहम्मद, दो दिन का वक्त है तुम्हारा, तीसरे दिन तुम्हारी बहन मुमताज तुम्हारे दरवाजे पे होगी तलाक हाथ में लेकर। ना ना ना, ये आपको काला आलम कराना है? जी बाबा जी, शामिर का बिल्कुल दिल फेर दे, वो शहर वाली आवारा लड़की है ना, उसकी तरफ तो देखे ही ना, उसको बिल्कुल भूल जाए। बताता हूँ, अपने मोकलों से पूछ कर बताता हूँ। मोकल किसी के ख्यालात कैसे बदल सकता है? उनका कब्जा दिल पर नहीं होता, सिर्फ जान पर होता है। बाबा जी क्यों मायूस कर रहे हैं आप, कुछ तो करें। हमने आपकी इतनी तारीफें सुन के आपको इतनी दूर से बुलवाया। तुम क्या चाहती हो लड़की, मसला आपका है, आप खामोश क्यों बैठी है? बाबा जी शामिर मेरे मंगेतर है और मैं उन्हें किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती। वो नहीं मानेगा, कभी नहीं। आपके मक्कल क्या कर सकते हैं? दिलों के सौदे इख्तियार से नहीं होते। काला आलम खून पीता है, खून गला घूरता है गला। तो बाबा जी पी लेने दे खून और घोटते गला, यही अंजाम होना चाहिए उसका जो मेरे शामिर को मुझसे छीनना चाहती है। जान की कीमत 17 काले बकरे और 51,000 रुपए, खैरात भी करनी होती है, आस्थाने पे लंगर भी चलाया जाता है। जी बाबा जी 51,000 रुपए तो मैं आपको अभी दे देती हूँ और बकरे 2 घंटे में आपके आस्थाने पर पहुंचा दूंगी। बस बाबा जी ये काम हो जाए ना। समझ। बॉबी, हाय, व्हाट अ सरप्राइज। हेय, नाइस टू मीट यू। कैसे हो? आई एम गुड। भाई ये बहुत क्रेजी बच्चा है। एंड द बेस्ट थिंग इज ही लव्स टूरिज्म, इसे टूरिज्म का जुनून है। जानती हूँ मैं, फेसबुक पे हमारी बात होती रहती है अक्सर, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नहीं हो पा रही, because you haven't responded me well. I'm so sorry, Bobby. It's all right. ये बताओ पहली बार पाकिस्तान आए हो, कहाँ जाना है, क्या प्लान्स है, कहाँ घूमना है? हाँ हाँ बनाओ ना भाई, उसको कोई साइट सीइंग का प्लान बनाओ, उसके लिए उसको जगह दिखाओ, मार्क द प्लेसेस। आप फिक्र नहीं करें, मैं इसे हर जगह लेके जाऊंगी, बहुत जगह घुमाऊंगी। That'll be great. कब तक के लिए हो यहाँ पे? Well, I haven't planned it yet, but let's see. जा जल्दी नाश्ता लगवा। शामी ने हमें बर्बाद कर दिया हर लिहाज से, लानत है ऐसी औलाद पर। आप क्यों मान गए सर, आप क्यों मान गए? इसके अलावा और कोई चारा नहीं था फातिमा, बताओ मैं क्या करता? मैं तो एहसान मानता हूं कासम का कि उसने एक
अच्छा रास्ता निकाला, वरना सुलेमान तो बहुत गुस्से में था। अब मुमताज बुढ़ापे में तलाक लेती अच्छी लगती? हमें किस मुसीबत में फंसा दिया अपनी बेटे ने। खैर छोड़ो, जो होना था हो चुका। मुझे जरा जल्दी जाना है, पटवारी का दफ्तर दूर है। आओ नाश्ता कर ले। यार वे मोड़ मुहार वे, यार वे मोड़ मुहार वे। टॉमी, मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि बाबा जाने मेरे लिए इतना बड़ा स्टेप उठाएंगे सिर्फ मेरे खातिर। मगर अब मैं उन्हें सारी जिंदगी नहीं देख सकती, उनसे कभी नहीं मिल सकती। शामी, हमारे बाबा का तुम पर बहुत बड़ा एहसान है और मुझ पर भी। शामी, मैं उनके होते हुए लावारिस हूँ। मैं जिंदगी भर के लिए लावारिस हो गई हूँ शामी, मैं कभी नहीं देख सकती। हौसला करो, ये दिन भी गुजर जाएंगे। अल्लाह पे भरोसा रखो, मायूसी गुनाह है। शामी, मुझे घर जाना, प्लीज मुझे घर छोड़ दो। कोई परेशानी की बात नहीं, मैंने सब तैयारी करके रखी हुई थी। लेकिन कैसे आंटी? इसमें क्या मुश्किल थी? रिहाना से तुम्हारा नाप लिया और बस, फिर बाकी सब मेरा कमाल था। नेमिसी, वंडरफुल। लेकिन मुझे कब तक पहननी होगी? इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। क्या ये पहनना जरूरी है? कोस जरूरी है, दूल्हा को दूल्हा लगना चाहिए भाई। थोड़ी देर को पहनना होगा, ज्यादा देर को नहीं। Alright, लेकिन वो मैं स्ट्रेचेबल पजामा चीज नहीं पहनूंगा, उसे पहनना भी मुश्किल और उतारना भी। चूड़ीदार पजामा? Alright, मत पहनना, तुम शलवार पहनना, ओके? Yeah, that will be great. Okay, और कुछ पूछना? नहीं, that's it. ठीक है, okay, you can take that off now. Yeah. कासिम, तुम्हारे कहने पर मैंने आधी जमीन तुम लोगों के नाम कर दी है। पटवारी एक दो दिन में जमीन के कागजात तुम्हें दे देगा। यही चाहते थे ना तुम? और देखो, अब अपने वादे से फिरना मत। बैठ जाओ, रिलैक्स। मौदी साहब, फॉर्म फिल कर लिया आपने? जी, हो गया। बेटा, तस्वीरें जल्दी जल्दी खींचो, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, ओके? बस दो मिनट। ये सब क्या है मामा? आओ आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो।
ये लो बेटा, ये लो। निकाह शुरू करें मौली साहब। जी, क्या आपको यह निकाह कबूल है? क्या आपको यह निकाह कबूल है? ये सब क्या है मामा? आपने मुझे धोखा दिया है। इधर इधर रुको। जी, माँ हूँ मैं तुम्हारी, माँ की बेइज्जती करोगी सबके सामने? आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूँ कुछ भी, माँ हूँ मैं तुम्हारी, समझे तुम? ये निकाह नहीं करूँगी, चाहे आपने जान से बातें। कहीं नहीं जाऊंगी तुम, यही रहोगी तुम। छोड़े मुझे। इसको पकड़ो, इधर आओ मुबारक, तुम इधर आओ, बाजी को पकड़ो। छोड़े मुझे बाहर। बेटा तुम आओ मुबारक। आप जबरदस्ती नहीं कर सकती मेरे साथ। छोड़े मुझे, छोड़ दे मुझे, मैं नहीं करूंगी निकाह। शुरू करें मौली साहब। हमारा मजहब जबर की इजाजत नहीं देता। सुन लिया आपने, मैं ये निकाह नहीं करूंगी। अब आप जा सकते हैं क्योंकि मैं ये निकाह नहीं करूंगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। This is not done. I wasn't told about this. छोड़ो मुझे मुबारक, मैं ये निकाह कभी नहीं करूंगी। और अब आप यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि मैं ये नहीं कर रही। आप कहीं नहीं जा सकते मौली साहब, यहीं रुकिए। पहले आप अपनी बेटी को मनाएं, मजहब को मजाक मत बनाएं। ये अमन और इखलाक का दीन है, यहाँ जोर जबरदस्ती नहीं है। लड़की बालिग है, इस पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। निकाह के लिए रजामंदी जरूरी है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं चूहे की तरह छुपता फिर रहा हूं और मेरे अपने मेरी बू सूंघते फिर रहे हैं। यार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या? जब तुम्हारे बाबा ने तुम्हें दो शादियों की इजाजत दे रखी है तो टेंशन क्यों ले रहे हो? क्या टेंशन क्यों ले रहा हूं? तुम्हें पता तुम्हारे मसले का हल मेरे पास है। वो क्या? तुम्हारे मसले का हल है 2N। क्या मतलब 2N? एक नबीला और एक नसरीन। चलकर मेरे दोस्त, चलकर। दिमाग तो खराब नहीं हो गया बिलाल तुम्हारा? चलकर, हाँ? ये कहना आसान है। हाँ हाँ, ऐसे कहोगे अब तो तुम? Come on यार, मतलब मैं नबीला को ये सब कुछ कैसे बता दूं? तुम्हें शायद उसके बारे में पता नहीं। अगर उसे नसरीन के बारे में पता चल गया तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। कब तक छुपाओगे इस बात को? एक न एक दिन तो ये बात सामने आएगी, फिर क्या करोगे तुम? कैसे पता? क्या करूं? बाबा कॉल कर रहे हैं, अटेंड करो। मेरे दोस्तों, ये क्या बातें कर रहे हो? कैसे अटेंड करूं मैं बात? यार तुम दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, मैं क्या बोलूंगा उनको? क्या बोलूंगा उनको? यार तुम्हारी गुमशुदगी को लेकर परेशान हो रहे होंगे, तसल्ली हो जाएगी उनकी। तसल्ली नहीं होगी बल्कि मुझे उम्र कैद होगी। शामिर, हो सकता है ऐसा कुछ ना हो जो तुम सोच रहे हो। ये मेरा वहम नहीं, यही होगा जो मैं सोच रहा हूं। शामिर, माँ बाप है वो तुम्हारे और वो बहन है, खून के रिश्तों को तोड़ा नहीं जा। जानते हो तुम, कभी कभी खून के रिश्ते ही खून के प्यासे हो जाते। ओह, कुछ समझ नहीं आ रहा। या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूं। अच्छा तुम परेशान मत हो, तुम्हारे प्रॉब्लम का कोई हल निकालता है। क्या करूं यार, ये फिर कॉल कर रहे हैं। अटेंड कर। नहीं कर सकता यार, नहीं कर सकता। चलो इधर चलो तुम कमरे में, और अपने बाप की अकल में मत रहना। अच्छा
तुम्हारा उससे अब कोई ताल्लुक नहीं है, वैसे भी अमेरिका जा चुका है वो। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती, मैं खुद मुख्तार हूँ। बाहर में जाए तुम्हारी खुद मुख्तारी, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी, समझी? मुझे समझौता करने की आदत नहीं है और तुम जानती हो ये बात अच्छी तरह। अच्छी तरह जानती हूँ मैं, मगर आप मुझे पालने की इतनी बड़ी कीमत नहीं ले सकती मुझसे। अम्मी दरवाजा खोले, दरवाजा खोले फौरन, आप दरवाजा खोले वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। शौक से बुलाओ, लेकिन यहाँ से निकलोगी तो कुछ करोगी ना। आप दरवाजा खोले वरना मैं मर जाऊंगी। दुनिया की नजर में तो तुम पहले ही मर चुकी हो, क्या फर्क पड़ता है? अब तो तुम बॉबी से निकाह करोगी तभी यहाँ से निकलोगी, समझी? बॉबी से मैं निकाह कभी नहीं करूंगी। आप दरवाजा खोले फौरन। देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ कितनी बर्दाश्त है तुम में। जब भूखी प्यासी अंदर तड़पोगी ना, तब होश ठिकाने आ जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें खाने को, समझी? झूठे दुनिया के सब नाते, झूठी हर परछाई, इश्क है सच्चा मुर्शद अपना, इश्क है सच्चा साए। वाह बेटा वाह, जमीन हमारी हो गई, खूब फंसाया तूने अदा गुल मोहम्मद को। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ। अब कौन सा खेल बाकी रह गया तेरा? शहरी लड़की को ठिकाने लगाना है, इसके बाद देखना। जब इश्क मर जाएगा तो बाकी क्या रहेगा। और हाँ, लड़ाई खत्म। शामीर जिससे चाहे शादी करे, हम खुश हैं, बहुत खुश। तू तो बड़ा होशियार निकला, बहुत ही होशियार निकला है तू। मेरी नजर तो इतनी दूर तक गई नहीं थी। शामीर को एक पैगाम देते बाबा साईं, उसे कोई डर नहीं होना चाहिए, जो चाहे करे। तू फिकर ना कर, मैं समझा दूंगा अच्छे तरीके से अदा गुल मोहम्मद को। अरे हम एक बार फिर शहर जाएंगे, शामीर को मुबारकबाद नहीं देनी? पांच सौ एकड़। अजनबी ना वो अजनबी, मेरी हर नजर से हो आशना, जो नहीं मिला वो मिले मुझे, मेरे मन को आए करार वे। यार वे यार वे मोड़ मुहार वे, यार वे मोड़ मुहार वे। खुल जा, अब नहीं आएगा शामिर तुझे लेने, तेरी कीमत जो वसूल कर ली तेरे बाप और भाई, वो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ये नहीं हो सकता,
मैं बिरादरी के सामने पेश करूंगा जरीना का मुकदमा, बात करूंगा एमएनए से। अरे क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे? अच्छा गुल मोहम्मद, नाराज क्यों हो रहे हो? नाराजगी की कोई बात नहीं है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता तुम सब भूल जाओगी, सब कुछ भूलती जा रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सब भूल जाओगी। मुनसिफों के ये फैसले हैं मोहब्बतों के मामले, मेरा जुर्म तो मेरा इश्क है, मुझे इश्क ही की सजा मिले किसी।